वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और गुडविल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों गुडविल चैप्टर के अंदर चार मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और लास्ट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले के तीन हम ऑलरेडी मेथड डिस्कस कर चुके हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी और अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी। आज दोस्तों एक छोटा सा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत आसान सा है, उसको खत्म करते हैं आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 20 और इसके अंदर 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी सर आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है गुडविल के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे करनी है उसकी कैलकुलेशन। तो बहुत इजीली समझते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ? गुडविल का फॉर्मूला हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सिंपल सा आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो है सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसी के लिए आज की हमारी क्लास है। अगर हम देखें नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हुए हैं 2, सिर्फ क्या निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट और उससे हमारी क्या निकल आएगी गुडविल। तो जरा इस क्वेश्चन में आराम से समझते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले आप सब बच्चे लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट्स, जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं उनको लिखेंगे, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से। ये वेट्स क्या होते हैं अभी एक एक करके सब बताते हैं और फिर हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट। अब कैसे कैसे करना है, पहले 5 साल 2011, 12, 13, 14, 15 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है 43,000, सेकंड दे रखा है 50,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। 52,000, नेक्स्ट है 65,000 और जो लास्ट प्रॉफिट है वो है 85,000। 5 साल के प्रॉफिट्स हैं और सर इसमें नया क्या है, इसमें आपको वेट्स दे रखे होंगे। जो नया है आप पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर वेट्स दे रखे हैं। कह रहे हैं 2011 को एक वेट देना, 2012 के प्रॉफिट को दो वेट, यानी 2011 को एक, 2012 को दो। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको उनको वेट असाइन करने हैं। इसको देना है 1 वेट, 2 वेट, 3 वेट, 4 वेट और 5 वेट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को आपको देना है वेट। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, बस प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। आइए जरा हम जल्दी से वेट का टोटल कर लें। वेट का टोटल आ रहा है 15, 5 और 5, 10, 15। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई जल्दी से। पहला वाला आ रहा है 43,000, 50 × 2 1 लाख, 50 × 3 1 लाख 56,000, 51 लाख 56,000। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं जरा, नेक्स्ट आ गया 65,000 × 4 260,000। उसके बाद 85 × 5 ये आ गया 425,000। आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ वेट से मल्टीप्लाई करा है। और अब जल्दी से बताएं टोटल कितना आया, 43,000 प्लस 1 लाख 156 260 4 लाख 25,000, ये आ गया 9 लाख
84,000। अब वेटेड कैसे निकालते हैं, बहुत आसान, आपने बस प्रोडक्ट का टोटल करना है। प्रोडक्ट का टोटल कितना आया, 9,84,000। नॉर्मली हम एवरेज निकालने के लिए 5 साल से डिवाइड करते थे, बट ये एवरेज नहीं है, ये है वेटेड एवरेज। तो एवरेज के लिए 5 से डिवाइड, और अगर वेटेड एवरेज है तो वेट का टोटल कितना है, 15। लो सर आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाई करेंगे 2, तो हमारे पास फाइनली जो गुडविल आई है, गुडविल आई है 1,31,200। लो सर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था आपके पास सिंपली निहायत ही आसान सा मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दिमाग नहीं लगाना, वेट्स दिए हुए हैं, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट और उसको वेट से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, बस खत्म, अपने आप क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों एक और क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड के ऊपर, थोड़ा सा उसका लेवल टेक्निकल होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।